दरभंगा शहर का पुरानी मुनसफी। मोहल्ले के लोगों में सालों जल जमाव झेलने के बाद जो उम्मीद जगी थी वो एक बार फिर मुरझा चुकी है, और कारण साफ है, आधा अधूरा सड़क निर्माण से लोगों में आक्रोश है। तो वहीं आगामी बरसात को लेकर डर अभी से ही सताने लगा है। इसी को लेकर मोहल्ले का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगर आयुक्त से मिलकर इस संबंध में आवेदन दिया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ठेकेदार के जरिए या पार्षद के जरिए या किसी के भी जरिए कि एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, नगर आयुक्त साहब एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग गए थे, मिले हैं उनसे, उनको आवेदन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं, अगर नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है तो उसको देखें और देख के इस सड़क को बनाएं, हम लोगों को जाम से और ये जो पानी की से निजात दिलाएं। अगर ये अगर जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, अगर आश्वासन में वो लोग काम नहीं करते तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है, हम लोग मोहल्लेवासी पहले तो नगर निगम का घेराव करेंगे, फिर भी काम नहीं बना तो रोड जाम करेंगे। आमतौर पर विधायक जी से मेरी 2 से 3 बार बात हुई है, मेयर साहिबा से बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। विधायक जी से जब जा रहे थे इस रोड से तब भी उनको हमने बताया, ये आधा रोड को ढलाई करने के मेयर साहब आए थे, उद्घाटन करके उद्घाटन भी किया था, मिथिला लाइव ने भी दिखाया था, मिथिला लाइव ने उसको कवर भी किया था इसको, आधा रोड को। और विधायक जी 2 बार इधर से गुजरे हैं, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया है तो उन्होंने बोला नहीं, ऑलरेडी हम प्रोसेस में लगाए हुए हैं, आश्वासन दिए हैं विधायक जी। देखिए समस्या हम लोगों का क्रोनिकल डिजीज जिसको कहा जाता है वो है, ये सड़क इतना महत्वपूर्ण है उसके बावजूद भी ये उदासीन बना हुआ है। ये लिंक रोड है जो उर्दू बाजार चौराहे से लेकर के नेशनल सिनेमा को जोड़ती है, और इस रास्ते से दरभंगा टावर जाने आने वाले को बड़ी काफ़ी सुविधा होती है। इतनी ख़राब स्थिति में भी आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना व्यस्त है, और जब बारिश हो जाएगी तो पता नहीं हम लोगों का क्या असर होता है, ये कल्पना से दूर है। हम लोग बड़ी मेहनत के बाद ये सड़क का काम शुरू करवाएँ और नगर निगम द्वारा ये आधा सड़क का निर्माण किया गया। आधा सड़क निर्माण के बाद पता नहीं क्या व्यवस्था है नगर निगम की, विकास की जहां ढिंढोरा पीट रही है वहीं आधा पर काम आकर के अवरुद्ध क्यों हो गया। इसको लेकर के आज हम लोगों ने पुनः नगर आयुक्त से जाके मुलाकात किया है। ऐसे में हम लोगों ने जो आवेदन दिया उसमें 78 आदमी का दस्तखत भी किया गया है मोहल्लेवासियों के द्वारा। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग का दुकान है, मकान है, पानी नहीं लग जाता है, दिक्कत है, पाल बच्चे को दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत हो रहा है, धूल कितना हो रहा है रोड पर, धूल उड़ रहा है, हम लोग 1 मिनट बैठना नहीं चाहते हैं। ये काम के लिए गुहार लगा के तक पानी इसमें जमा होता है, लोग रिक्शा लेके जाता है वो गिर जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है, लोगों का व्यापार यहाँ पे बंद हो चुका है, कस्टमर नहीं आता है, बहुत सारी शादी विवाह का भी परेशानी है, लोग शादी विवाह के लिए जगह नहीं मिल पाता है, यही सब सारी परेशानियाँ हैं। सर ये एक मैटर पुरानी मुनसफी का है तो जो इसका आवेदन अभी आपको दिया गया है सर, इसमें आधा काम होकर आधा काम रुका हुआ है, इसका एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? जानकारी प्राप्त हुआ है इसका भी संचिका देखने के पश्चात हम इस पर कमेंट कर पाए हैं। लोगों के द्वारा भी जानकारी दिया गया है कि सड़क पर आधा काम हो गया और आधा काम अभी बाकी है, उसमें किस परिस्थिति में भी काम नहीं हुआ है उसका संबंधित अभियंता से हम पता करके तभी इस पर कुछ बोल पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर।